कह रहे हैं हजरत सैयद कायनात राहत कल्ब मुस्तफ़ा नूर दीदा मुस्तफ़ा शहजादी कौनैन मखदूमा कायनात हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दी विसाले पाक दे मुतल्लिक मैंने काफ़ी दोस्तों फरमाइशा भी की पर्चियां लिख के भाई कि यह लाजमी सुनाया जे तो मैं चंद अल्फाज सवाल नर्ज कर देव कमली वाले अकल है सलात सलाम ने जब दुनिया तो पर्दा फरमाया ना तो सहाबा दे दिल की दुनिया ही उजड़ गई नबी करीम अलैहि सलात व सलाम के विसाले पाक की खबर सुन के कई सहाबा विसाल फरमा गए जेड़े खड़े सन बैठ ना सके जेड़े बैठे सन उठ ना सके हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी हालत हो गई कि मदीने की गलियां च रोंदे फिरदे ने इमाम इब्ने असाकर ने लिखा ते निके निके बच्चों सीने ना लगा के फरमाते ने किधरे मेरे माही नूं वेख्या नहीं हजूर का नाम सुन के बच्चे रोंदे ने हजरत बिलाल रो के फरमाते ने जे किसी नूं हजूर नजर ही आए तो मैनू जरूर वेखाया जाए हजरत सिद्दीक अकबर की हालत हो गई सारा दिन मदीने के बाहर खड़े रहते शाम वेले रोंदे घर आते हैं तो घर वाले पुछते हैं हजूर दिन कितने गुजारिया ते रो के फरमाते ने मदीने के बाहर जाके रस्ते वेखता रहा हो रे किसी राह चो मेरा माही वापस आ जाओ नबी करीम अलैहि सलातो सलाम जिहड़ी सवारी ते सवारी फरमाते सन ना गदबा ऊंटनी ते तीन दिन मेरे नबी की खबरे अनवर कोल बैठ के रोंदी रही सरकार नजर ही ना आए ना ते उन्हें मदीने दी दीवारां नूं टकरा मार मार के जान कुर्बान कर दी हजूर दा गदा यफूर नबी करीम दे पिछोड़े च मदीने दी गलियां च फिरदा किसी नूं पुछ नहीं सकदा हजूर किथे ने सरकार नजर ही ना आए ते उन्हें मदीने दे कुएं च छलांग मार के जान कुर्बान कर दी हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु तआला ने उस वेले अपने खेतों नूं पानी दे रहे सन जदों हजूर दा विसाल होया ते जवान पुत्र जाके कहिंदा अबू जी दुनिया तो हजूर पर्दा कर गए जे सहाबी ने मुड़ के पुत्र वल भी नहीं वेख्या आसमान वल वेख के कहिंदे ने रब्बा जे तेरा महबूब भी टुर गया मैं तेरियां अखियां दा करना वेखी है इन्हां अखियां दा नूर वापस लै लै तेरे महबूब दे बाद किसे होर नूं ना वेखां किधरे अखियां दा वज़ू ना टुट जावे अखां नबी ना हो गईआं जो गुलामा ते जानवरां दा ए हाल नबी दी बेटी दा की हाल होए हो सैयद कायनात मेरे नबी दे विसाले पाक तो बाद 6 महीने जिंदा रहे सैयद कायनात दुनिया तो कवडेरी होके नहीं गईयां जदों आपने दुनिया तो पर्दा फरमाया आप दी उम्र मुबारक उस वेले 24 या 25 साल दी एन जवानी सी ते आप दे विसाले पाक दी होर कोई वजह नहीं इक्को ही वजह के सरकार दा विछोड़ा ही बर्दाश्त नहीं हो गया नबी करीम दे विसाले पाक दे बाद दिने भी रोंदियां ते रात भी रोंदियां एक दिन मदीना दी औरत आके कह लगी सैयदा या सुबह रोया करो तो या रात रो लिया करो तुहाडा रोना वेख के किसे दिन साडे कलेजे फट जाणगे कदे ते आराम करिया करो ते रो के फरमा दिया ना आराम कित्थों लैके आवां जिन्हां नूं वेख के आराम आउंदा सी ओह महबूब ही टुर गए जिन्हां नूं वेख के आराम आउंदा सी ओह महबूब टुर गए ने आरवे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने टुर गए ने दिलदार रमजान शरीफ का महीना आया फरमा देने में एक दिन घर आया
गया सैयद कायनात अपने बेड़े की सफाई आप कर दिया ने अपने पुत्रा नु गुसल पईयां करा दिया ने खाना बना के अपने पुत्रा नु पईयां खिला दिया ने मौला दी फरमान लगे दारा अज मैं बड़ा राजी अज तुहाडी तबीयत संभल गई है सैयदा ने मौला अली दादा ने पकड़िया कमरे च लै गई फरमादिया मौला अली पुत्रां नूं नाने दे रोज़े ते भेजिया जे मैं दो जरूरी गल्लां करनियां ने मौला अली फरमाउण लगे पुत्रों जाओ जाके नाने दे रोज़े ते मां लई दुआ करके आओ हसनैन करीम रोते पावर चले गए अचानक सैयदा दी तबीयत न साफ हुई मौला अली दी गोदी च सरेक दस रखे आओ हथ जोड़ के फरमाउण लगिया मौला अली अजी अद्धी रात वेले मेरी रोंदियां हथ लग गई मेरे ख्वाब च मेरे बाबा आ गए मैं अपने बाबा नूं जफ्फा मारिया अर्ज कीती बाबा दिया नाले जो नहीं खरीदा अर्ज कीती बाबा मैं दिने भी रोनी आ रात भी रोनी आ बाबा तेरी जारा बड़ी उदास है या ते जारा कले आ जाओ या दारा मैं अपने तेरे आका ने सीने नाल लाया फरमाया बेटी रोना जे दिल तेरा नहीं लगदा दिल मेरा भी नहीं लगदा बेटी तैयारी कर ले सारे नबियां नु लेके तेरी रूह ते इस्तकबाल करने आया आ फरमा दिया मौला अली अज मेरी आखरी रात है मैं अपने बाबा कोल टुर चली जज मेरे बाबा मैनू लैन आए ने सुपने अंदर मेरा माही मिले ते मैं गल विच पा लिया डर दी मारी अख ना खोला किते फेर विछड़ना जा फरमादिया मौला अली की करा मेरा बाबल बगैर दिल नहीं लगदा हाथ जोड़ के अर्ज कर दिया मैं तुर चली आओ तेरे बाहों दे मेरिया चार वसीयतां पूरियां करे आज नौजवान जड़ वेले पहली वसीयत वेला आया सैयदा होने हाथ जोड़ ले फरमादिया मौला अली तुर चली आओ अली तुम्हारे बच्चों की मावां जिंदगी कठिया गुजरी है कदे खिदमत कुंदा ही हुई होवे अपनी फाती मनु माफ कर आजे फरमा दिया मौला अली अपनी बीवी समझ के माफी ना दे अपने बच्चों की माँ समझ के माफी ना दे मैनू मोहम्मद दी समझ के माफी दे दे मौला अली ने हाथ खोल के फरमाया फरमाया दारा सैयदाओं ने हाथ जोड़ ले फरमा दिया मौला अली मेरा जनाजा रात न लेके जाया दे मैनू किसे कदे नहीं वेख्या कोई मेरा जनाजा भी वेख के आखे ना देखो नबी दी बेटी दा जनाजा पिया जांदा है जदू तीसरी वसीयत दा वेला आया लोगो कलेजा फट जांदा है हाथ जोड़ के परवान लगिया मौला अली जिन्हां दियां मावां बचपन च टुर जांदियां ने ओ औलादा नुकरां च बैठ के रोंदियां ने ओ बच्चे दीवारां नाल लग के रोंदे ने अली मैं टुर चलियां मेरा हसन रोवे ना मेरा हुसैन रोवे ना मेरी जैनब कुलसूम रोन ना मेरे मौला अली मेरे बच्चों का ख्याल रखे आज अर्ज कर दिया ने मौला अली कल तुसा मेरे कफन दफन च लग जाना है पता नहीं कोई खाना खिलावे के या ना खिलावे मैं जांदी वाली खाना खिला चली बेड़ा साफ कर चली करबला दी धूड़ जुल्फा च पैनी है मैं जांदी वाली गुसल करा चली चौथी वसीयत दा वेला आया हाथ जोड़ के फरमा दिया मौला अली मैं टुर जावां
सारा दी कबर ते आउंदे आ जांदे आ रे आजे मौला अली भी रो के फरमान लगे दारा जांदी वाली मैनू भी माफी दे दे तू नबी दी बेटी सै मैं फकीर जिया बंदा तेरिया रज के खिदमत नहीं कर सकया अपने बाबा नो मेरा सलाम कह देवी नबी नो अली दिया शिकायत मालूमी सैयदा भी रो रही है मौला अली भी रो रहे इधर इमामे हसन हुसैन रोंदे आ गए कह लगे अम्मा अज जाई ना मौला अली ने फरमाया रोंदे क्यों आओ अर्ज की नाने दे रोते ते जाओ रे साहब दो सोनिया शक्लां नजर आईया उन्हें आया पुत्रो जल्दी जाओ जाके मां वेख लो मां टुर चली गए असा पुछया तुसी कौन हो फरमाया अल्लाह दे नबी इब्राहिम ते इस्माइल असी तुहाडी मां दी रूह नूं लैण आया दुआ पुत्रा ने मां दे कदमां ते ओंट रखे ते सैयदा दी रूह परवाज कर गई मियां दा फरमांदे ने मावां वाले ते मामा दे कुल सै फरियाद लै जांदे पर मोया मामा वाले रो रो के आपे चुप कर जांदे इबादत करके अपने या अपने वालिदैन अपनी औलाद लई दुआ करने घराना जिहड़ा सारी रात इबादत च गुजार के जदों दुआ दा वेला आउंदा ते तेरी ते मेरी बख्शिश दी दुआ कर देंदे आखिर ते दुआ अल्लाह मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमाए सदा बहार रवे इस बागे कदे खजाना आवे हुमन फैज हजारा ताई हर भुखा फल खावे मुफ्ती साहब किबला अल्लाह साया अहले सुन्नत व जमात हमेशा सलामत रखे।